हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट शेखर और आप देख रहे हैं टेक बवाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ थोड़ा टेक नहीं स्पोर्ट्स की तरफ एक हेलमेट जो आता है DSC की तरफ से। तो दोस्तों चलते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हेलमेट का क्या क्या फीचर्स है और कैसा है प्रोटेक्टेबल हेलमेट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सामने की तरफ हेलमेट का एक पिक्चर दिया गया है, उसके साइड में DSC का ब्रांडिंग है, नीचे क्रिकेट हेलमेट लिखा गया है, राइट साइड में DSC का फिर से लोगो दिया गया है और यहाँ पे लिखा है स्मिथ M, मतलब मीडियम साइज। उसके नीचे एक सील लगाया गया है DSC का और प्राइस वगैरह वगैरह लिखा गया है और बारकोड भी दिया हुआ है। इसका प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है 1299 रुपए, लेकिन मुझे ऑफलाइन मार्केट में 1100 रुपए में मिल गया। और लेफ्ट साइड में मॉडल किस तरह का साइज है वो भी लिखा गया है, मीडियम साइज और स्मिथ है। यहाँ पे स्क्वायर, ग्रिल, बहुत सारे मॉडल है और इंस्ट्रक्शन दिया गया है, DSC का ब्रांडिंग दिया गया है। तो चलते हैं फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें दो चीज मिलता है और क्या भी मिलेगा, एक हेलमेट और उसका ग्रिल। तो दोस्तों हेलमेट को देखे तो तरफ ब्लू कलर का एक फिनिशिंग दिया गया है, ऊपर दो होल है एयर फ्लो के लिए, साइड में दो दो चार नट्स है, पीछे की तरफ DSC का लोगो दिया गया है और यहाँ पे DSC ब्रांडिंग भी है। और ऐसे करके आप कंधे में ये टाइट और लूज कर सकते हैं। सामने की तरफ से दिखे तो बहुत ही अच्छा लगता है और अंदर की तरफ M साइज है, तो M भी लिखा गया है और चारों तरफ कुशनिंग दिया गया है, तो मुंह के शेप के लिए गार्ड सा दिया गया है। तो ग्रिल की तरफ आते हैं, ग्रिल की दो साइड में DSC का ब्रांडिंग है और यहाँ पे कुशन की तरह तरह से कुछ भी दिया गया है, फोम लगता है। ग्रिल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा तो नहीं पर बट बजट रेंज में बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों इसको लगाते हैं हेलमेट के साथ और ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं कैसा है हेलमेट। दोस्तों चलिए मैं इसको पहन लेता हूँ और देखते हैं कैसा ये लगता है पहनने के बाद। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना और शेयर भी करना, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करते जाना। तो दोस्तों आज के लिए अलविदा, टेक बवाल, कीप वॉचिंग।